त्याग करना पड़ता है, बलिदान करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। ये हमारे देश का इतिहास है, आज़ादी से पूर्व से यह इतिहास चल रहा है। आज़ादी से पूर्व हम आंदोलन किए, संघर्ष किए, इसलिए आज़ादी मिली। वो सही ना मिलने के कारण फिर से आंदोलन करना ये जरूरी है। इसलिए किसान, जिन किसानों ने, सब किसान भाइयों के लिए जो आंदोलन किया, बलिदान किया, उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और मुझे ये महसूस होता है कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं है, वो किसानों के लिए प्रेरणा बनकर रहेगा, आगे के लिए वो प्रेरणा बनकर रहेगा। और ऐसा नाजायज़ किसी ने किसानों के ऊपर अन्याय अत्याचार किया तो रोक फिर बड़े पैमाने पर रास्ता पड़ोगे। तो ये तो हमारी परंपरा है, जिन लोगों ने बलिदान किया उनके जो बलिदान किया वो बलिदान के लिए मैं उनका ऋण व्यक्त करता हूँ। और आपके बलिदान से आज ये निर्णय हो रहा है ऐसे मैं मानता हूँ। अन्ना, ये किसान आंदोलन की जीत है, राज्यों में चुनाव है, तो चुनाव को मद्देनजर रखे हुए ये सरकार ने ये फैसला लिया है कि तीन कृषि कानून जो है वो वापस लिए। आगे सरकार के ध्यान में क्या है हमें नहीं जानते। सरकार कब क्या निर्णय लेगी, क्या बोलेगी, इसका ये बोलना कठिन है। लेकिन कम से कम ये कानून को वापस लेने का जो निर्णय ले गया, ये तो मैं समाधानकारक मानता हूँ। ये किसान आंदोलन की जीत है या विपक्ष की जीत है? नहीं, ये तो विपक्ष जीत ऐसे मानना नहीं है, ये किसानों की बलिदान की है। इतना बड़ा बलिदान, इतना बड़ा संघर्ष, इतना बड़ा त्याग, उसके जीत है। ये पक्ष और पार्टी के कभी ये सत्ता में है वो विरोधक में है, कभी ये विरोधक में है वो सत्ता में, सिर्फ विरोधक से काम नहीं बने। विरोधक उतना प्रबल, अगर विरोधक प्रबल है तो 300 क्यों जाना प्रश्न है। तो ये तो जो किसानों का त्याग और बलिदान वो महत्वपूर्ण है।